आज मैं आपको BSc इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के बारे में बताऊंगी, जो कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से है। कई टाइम से आप लोग चाह रहे थे कि आपको अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी मिले, ताकि आप वहाँ से अच्छा कोर्स कर सकें, आपको अच्छी नॉलेज प्रोवाइड हो सके। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। BSc न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, जो कि आपका 3 साल का कोर्स है, इसके अंदर 6 सेमेस्टर हैं। इसमें जो आपका बेसिक है वो आपको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, इसके न्यूट्रिशन, और इसके अंदर आपको जितना भी डाइट प्लान है उनके बारे में बताया जाएगा, आपको इसके अंदर न्यूट्रिशन साइंस पढ़ाई जाएगी। दूसरी चीज़ है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके पास 12th में 60% मार्क्स होने चाहिए विद इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर आपके पास बायोलॉजी नहीं है या बायोटेक्नोलॉजी है वो भी चलेगी। इसका जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो आपका मेरिट बेस पर होगा, इसके अंदर कोई एग्जामिनेशन नहीं है, कोई एंट्रेंस नहीं है। जो आपके 12th में जो आपके मार्क्स आए हैं, अगर आपके 60% मार्क्स हैं, उसी बेस पर आपका इसमें एडमिशन होगा। अगर मैं बात करूं इसकी फ़ी डिटेल की, आप फ़ी डिटेल आप यूनिवर्सिटी में कॉल करके पता कर सकते हैं। फ़ी डिटेल और जो आपका स्कॉलरशिप डिटेल है वो आप अपनी यूनिवर्सिटी में कॉल करके आप मालूम कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इस कोर्स के बारे में आपको बता देती हूँ, इस कोर्स में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, ताकि आपका इंटरेस्ट और इसके अंदर बढ़ सके। तो इसके अंदर जो आपको फर्स्ट ईयर में जो पढ़ाया जाएगा, इसके अंदर है बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ फूड, कम्युनिकेशन स्किल, फंडामेंटल ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन। ये आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाएगा। और अगर इसके अंदर मैं सेकंड ईयर की बात करूँ, उसके अंदर फूड माइक्रोबायोलॉजी है, एनवायरमेंटल साइंस है, इसके अंदर फूड माइक्रोबायोलॉजी है, फूड साइंस है, न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री है। मैंने इसके अंदर देखा कि बहुत अलग अलग इसके अंदर सब्जेक्ट हैं। इसमें आपको फूड सेफ्टी, हेल्दी फूड, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, और इसके अंदर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। इसकी इंटर्नशिप भी बहुत अच्छी हैं। इस कॉलेज का प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। अगर आप कहीं एडमिशन लेते हैं, जैसे कि आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं या आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, सबसे पहले आप वहाँ का सिलेबस चेक करिए, आपका जो सिलेबस है उसमें आपका इंटरेस्ट आ रहा है तो आप एडमिशन लीजिए। अगर नहीं समझ आ रहा है तो उसे वहीं रहने दीजिए, क्योंकि अगर आपने एडमिशन ले लिया, बाय चांस आपको वहाँ का सिलेबस समझ नहीं आया, तो आपके जो पैसे हैं वो ख़राब होंगे, आपका टाइम ख़राब होगा। इससे बेहतर ये है किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी इंस्टीट्यूट का सबसे पहले आप सिलेबस चेक करें। आने वाले टाइम में मैं आपको ऐसे ही अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छी यूनिवर्सिटी के बारे में, उनके कोर्स के बारे में मैं बताती रहूँगी, ताकि आप अपडेट रहें। और कई फ्री